तो फिर आदम करने वाला एक फोन की अनबॉक्सिंग। जब मार्केट में ये फोन आया था तब ये काफी महंगा था, कुछ महीने बाद अब इस फोन की कीमत बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई। सैमसंग के हर फोन के साथ मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब वो नया नया आता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत होती है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6 की अनबॉक्सिंग, और मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन को लेने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या क्या इसके अंदर सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, और क्यों आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारे पास ये, आप देखिए ऑन 6 का प्यारा सा बॉक्स, ऑन 6 इन्फिनिटी ऊपर लिखा हुआ है, गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6। बैक साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हैं, आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है 4GB रैम, 64GB मेमोरी, 64-bit ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 300mAh बैटरी एंड मैनी मोर, 13MP फिंगरप्रिंट। सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बॉक्स को खोलने के बाद अंदर जब हम फोन सेट करेंगे तब भी बता देंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले मैं इस प्लास्टिक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, प्लास्टिक कवर करते हैं इसको रिमूव, और इसका एक बॉक्स हमारे सामने ऐसे। तो प्लास्टिक रिमूव के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ छोटा सा रीडमी, चलिए से देख लेते हैं कि रीडमी के अंदर क्या है। ये हमने इसको इसकी रैपर को हटा दिया और अंदर इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप चाहे तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जो हमें मिल जाता है वो है हमारा यहाँ पर फ़ोन, और ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6। प्यारी सी लुक है, ब्लू कलर में है। चलिए इसको अनरैप करते हैं। इसका प्लास्टिक मैंने हटा दिया, प्लास्टिक हटाने के बाद आप देख सकते हैं फ़ोन की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी प्यारी है, पीछे से हमारी लुक काफ़ी अच्छी दे रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मेटल बॉडी है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट की सॉलिड बॉडी है, मेटल बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर और इसके अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन हमें मिल रही हैं वो है पीछे बैक कैमरा, बैक कैमरे के नीचे आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर और साथ में है फ्लैश लाइट। चलिए हम इस स्टिकर को भी इसको हटा देते हैं और इसको साइड कर देते हैं। अब ये है आपके पास आपका सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6। तो चलिए फ़ोन को रख देता हूँ मैं थोड़ी देर साइड पे और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिला है। बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर है हमारे पास कुछ कार्ड्स, कुछ क्विक स्टार्ट गाइड हिंदी में भी है, वारंटी कार्ड है, और लैंग्वेज सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है यहाँ पर SAR सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन और रीजनल लोकल गाइड, एंड देन बस ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर प्रिंटेड पेपर में मिल रही है। पेपर को भी करते हैं साइड और देखते हैं और इसके अंदर क्या है। और ये हमारे पास हैंडसेट, स्टैंडर्ड हैंडसेट है सैमसंग का, स्टैंडर्ड वाला, कोई ज़्यादा इन ईयर या फिर अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, सिंपल स्टैंडर्ड हैंडसेट है जो सैमसंग के फोन के साथ ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो चलिए स्टैंडर्ड हैंडसेट को करते हैं साइड, और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास इसकी डेटा केबल। तो डेटा केबल की भी लेंथ कुछ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके, हमें बहुत ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत होती भी नहीं है। डेटा केबल को भी करते हैं साइड, और इसके बाद और ये हमारे पास इसका चार्जर, चार्जर है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एम्पियर का। थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा था कि शायद इसका चार्जर बहुत ज़्यादा फास्ट वाला मिल जाएगा, लेकिन चलिए ठीक है 1 एम्पियर का चार्जर है, बहुत ज़्यादा है। सैमसंग की ब्रांडिंग है ऊपर यहाँ पर, टॉप पर सैमसंग लिखा हुआ है। और जो लास्ट चीज़ इसके अंदर है वो इसकी सिम इजेक्टर पिन, इस तरह की सिम इजेक्टर पिन आपको इसके अंदर मिल रही है। तो ये इसके अंदर का सारा कंटेंट, एक डेटा केबल है, स्टैंडर्ड हेडफोन्स हैं, इजेक्टर पिन है, मोबाइल है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर मिल रही है हमारा मोबाइल है, उसके बाद एक चार्जर जो 1 एम्पियर का है, स्टैंडर्ड चार्जर है, इसके ऊपर 1 एम्पियर लिखा हुआ है। कितनी ज़्यादा ये अच्छी हमें क्वालिटी चार्जिंग देगा वो बाद में पता चलेगा। और ये कुछ पेपर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वारंटी कार्ड है, जिनकी ज़रूरत हमें कभी भी नहीं पड़ती, हम इन्हें कभी भी नहीं देखते, तो ये वाले भी आपको इसमें मिल रहे हैं। तो चलिए इन सबको कर देते हैं साइड। तो चलिए बात करते हैं इसकी सिम इजेक्शन की। तो सिम कहाँ पे लगी है, यहाँ पे हमारे पास 2 स्लॉट दिए गए हैं एक सिंगल सिम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल इसमें सिम डलेगी, और एक बड़ा स्लॉट है जिसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड और सिम, आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सिंगल सिम का जो हमारी ट्रे है, ये सिंगल सिम वाली इतनी छोटी वाली ट्रे है, इसमें आप एक सिम डाल सकते हैं। अब अगर आप एक ही सिम को यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो आप इसके अंदर डाल लें, और अगर आपके पास 2 नंबर हैं आप दोनों को इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दूसरी ट्रे है, इसके अंदर आप दूसरी सिम अपने इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मेमोरी कार्ड को अलग से लगाने का ऑप्शन भी आपको इस फोन के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। और अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी सॉलिड बॉडी है, वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बैलेंस्ड है अच्छी तरह से। 3000mAh की बैटरी है तो वेट बहुत ज़्यादा मुझे हैवी महसूस नहीं हो रहा, बैलेंस्ड वेट है पूरे के पूरे फोन में। सारे फोन में हमारा जो बॉडी वेट है इसकी फ़ोन की बॉडी का वो अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है। इसके जो बटन्स की क्वालिटी है वो भी टच क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, शायद आपका आवाज़ सुनाई भी दे, ध्यान से सुनिए।
बटन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर दो बटन्स मिले हैं आपको वॉल्यूम के अप और डाउन करने के, और राइट साइड में एक बटन है पावर बटन जिससे हम अपने फोन को ऑन ऑफ करेंगे और लॉक करेंगे। और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर पावर केबल लगाने के लिए आपको सॉकेट मिल रहा है। उसके साथ साथ ही 3.5 mm का जैक है जो हमारे मोबाइल की हैंड फ्री को सपोर्ट करेगा। तो दोनों के दोनों स्लॉट्स आपके नीचे की तरफ हैं। बाकी इस फोन में कहीं पर भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई चीज़ स्पेसिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर एक स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर के लिए आपको एक स्लॉट दिया है। बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। J6 की और इसकी लुक एकदम सेम है, बिल्कुल आगे से पीछे से दोनों तरफ से एकदम सेम लुक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि J6 जो है हमारा वो ऑफलाइन अवेलेबल है और ON6 जो ऑनलाइन सीरीज है सैमसंग की वो सिर्फ ऑनलाइन आपको मिलेगी। J6 की और इसमें एक और डिफरेंस जो आया है, इसका जो प्राइस है वो काफी ड्रॉप हुआ, काफी ज्यादा गिर गया। ये फोन जब आया था तब इसका प्राइस था 14,500 समथिंग, लेकिन अब ये मैंने परचेज किया है 10,000 rupees सेगमेंट में। अगर आप देखना चाहें तो ये फोन आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। तो फोन को मैंने कर लिया सेट, अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ फिंगरप्रिंट से, तो ये अनलॉक हो रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स है, अच्छा सा फिंगरप्रिंट सेंसर हमारा काम करता है। तो ये मैंने फोन यहाँ पे सेट कर लिया। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिल रही हैं, जो ये सारी की सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, फोन पे है, आपका ओपेरा मिनी है, ये सारी की सारी ऐप जो है आपको प्री इंस्टॉल्ड आपको इसके अंदर यहीं पर मिल गई। नेटफ्लिक्स की ऐप है, बाकी जो चाहे आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी की सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास इसके अंदर 64 GB का आपको इसके अंदर स्पेस मिल रहा है। 64 GB का स्पेस से इनफ होता है किसी भी चीज़ के लिए। हम चेक कर लेते हैं कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाइड कर लिया है, यहाँ पर हम जाके देख लेते हैं। अब इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि स्क्रीन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। एमोलेड स्क्रीन आपको मिली है, तो एमोलेड स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं, आपको साफ साफ हाई कॉन्ट्रास्ट और डे लाइट में भी आपको क्लीन इमेज, साफ साफ इमेज नज़र आएगी। तो इसके अंदर आपके पास 51 GB की स्पेस है वो अभी भी अवेलेबल है, यानी कि 64 में से आपके 13 GB का स्पेस ऑलमोस्ट सारी ऐप्स ने कवर कर लिया है। जो इसके प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं, बूटिंग सिस्टम है, उन सब ने 13 GB का स्पेस कवर कर लिया। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की। चलिए चेक कर लेते हैं कि कैमरा क्वालिटी कैसी है। हमने ये कैमरा ओपन किया, कैमरा ओपन करने के बाद 13 MP का पूरा कैमरा है आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। हम एक फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं इसकी, ये हमने इसकी एक फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद काफ़ी जूम करने के बावजूद आपको अच्छे से यहाँ पे सारे के सारा टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है, मतलब कि कैमरे की जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छी है। 8 MP का आपका इसका फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। 13 MP का रियर कैमरा है, रियर कैमरे की क्वालिटी हमने चेक कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से एक इमेज इसकी क्लिक करता हूँ, इमेज क्लिक करने के बाद बहुत ही फास्ट इमेज को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4x जूम इसके अंदर है। तो एक एक चीज़ की डेप्थ, एक एक स्क्रीन, एक एक पिक्सल्स आपको नज़र आ रहे हैं, सारे की सारी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। तो इसके कैमरे से क्लिक की गई ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सेल्फी मोड भी काफ़ी अच्छा है, कैमरे का फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है, बैक साइड का कैमरा 13 MP है जो कि बहुत अच्छा आपको लुक दे रहा है, बहुत अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप डेप्थ की बात करें तो आप इसको जूम करके किसी भी फोटो को इजीली देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आपको फोटो के अंदर मिल रही है। तो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फोन के अंदर सारे के सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। 10,000 rupees की कीमत में फोन बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। अगर 10,000 rupees सेगमेंट में रेटिंग की बात करें तो इस फोन को 10,000 rupees में मैं दूंगा टच में 9 नंबर, क्योंकि इस प्राइस में इतना अच्छा फोन मिल रहा है आपको। बाकी ब्रांड्स के फोन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कि सैमसंग करता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशंस, आपको फोन के बारे में सब कुछ पता चल गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल से अगर आप अभी नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। स्टिल अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस तरह के फोन के रिव्यूज भी करेंगे, आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी के साथ मैं जोड़ता रहूंगा। तो अगर आपको पसंद आया है ये वाला फोन तो कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो भी बता दें कि आपको फोन में क्या कमी लग रही है इस प्राइस रेंज के अंदर। और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन, छोटी सी बेल साथ में जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ ही आ जाएगी, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए सबसे पहले।